जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या है लेटेस्ट अपडेट, आज वो देखेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बुकलेट निकाली है, वो आपके लिए अवेलेबल है, जिसकी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। वो आप हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जिसमें चाहे पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बुकलेट जारी की गई है वो आपको कैसे मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी। ये आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट है, जब आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपके सामने ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्सन वेलफेयर का ऑप्शन आया, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये निकल कर आ गया कि व्हाट इज न्यू, यानी कि नया क्या चल रहा है अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्सन एंड वेलफेयर में। जब आप यहाँ रीड मोर पे जाएंगे दोस्तों तो ये आपके सामने सारा ये क्या क्या लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ऑफिस मेमोरेंडम या ऑर्डर कहिए, जो जो जारी हुए वो देखिए। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी बुकलेट इंग्लिश वर्जन और वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी बुकलेट हिंदी वर्जन। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और हिंदी वर्जन की पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। इस तरह से आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगी और आप दोनों की स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी बुकलेट जो निकली है ओआरओपी के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से उसके बारे में। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो हियरिंग चल रही है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर, उसमें अब आपकी हियरिंग कब होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो हियरिंग होने वाली है वो होगी अब 8 नवंबर 2021 को। तो दोस्तों इसकी सुनवाई 8 नवंबर 2011 को होगी। ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डी वाई चंचूर एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम आर शाह की समकक्ष। और क्या आउटकम निकल कर आता है, उस दिन भी हियरिंग होती है या नहीं होती है, आपके लिए अगली तारीख मिलती है या बहस चलती है, जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपको हम बताएंगे 8 नवंबर 2021 की शाम को। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।